ये फौजी वाला है क्या? नहीं, आप स्क्रीन पर जो गेम देख पा रहे हैं अभी, ये फौजी गेम नहीं है, ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से फाइनली हट चुके हैं हमारे सबका प्यारा पबजी मोबाइल, लेकिन इसका अल्टरनेटिव अभी अनाउंस किए गए हैं एनकोर गेम्स की तरफ से, जिसका नाम है फौजी। इसका फुल फॉर्म बताए तो फियरलेस यूनाइटेड गार्ड्स, और ये एक बैटल रॉयल गेम है और जिसे बताया जा रहा है पबजी मोबाइल का अल्टरनेटिव। ये बेसिकली इंडिया का आत्मनिर्भर ऐप का जो कैंपेन अभी चल रहा है इसी के अंडर में आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ऐप है इसका 20% शेयर जाएगा भारत के वीर इस ट्रस्ट पर। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि पबजी मोबाइल के अल्टरनेटिव और ऐसे ही सिमिलर साउंड वाला जो गेम फौजी आने वाला है दोस्तों, ये कॉम्पीट कर पाएगा पबजी के साथ या फिर नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि आप जब भी किसी का अल्टरनेटिव ला रहे हो तो उससे बेहतर ना सही उसके लेवल का परफॉर्मेंस तो देना ही चाहिए। और फौजी गेम का डेवलपर्स का ये कहना है कि ये जो गेम है ये अचानक से ही नहीं बनाया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट जो है मई जून से चल रहा है 2020 के, और इसका जो रिलीज डेट है ये होने वाला है अक्टूबर के एंड तक। और जैसे कि ये एक इंडियन गेम है तो डेफिनेटली इसके अंदर शायद आपको कुछ इंडियन तड़का, जैसे कि इंडियन प्लेसेस, जो सब फेमस प्लेस रहते हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह, तो दोस्तों ऐसे कुछ प्लेसेस आपको शायद देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ इसका जो गेम प्ले है ये कैसे होने वाला है इसके बारे में कोई भी हिंट अभी तक नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक रिसर्च है कि एनकोर गेम्स का अभी तक मैंने ऐसा कोई भी गेम नहीं देखा जो मल्टीप्लेयर गेम जैसा है या फिर कोई भी बैटल रॉयल टाइप गेम है। शायद ये उनका सबसे पहला अटेम्प्ट रहेगा और ये कितने तक कामयाब रहेगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और पबजी जो है ये अभी भी लोगों का दिलों में और दिमाग में है, और मेरे ख्याल से पबजी अब एक इमोशन बन चुके हैं प्लेयर्स के लिए। और गाइस सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रहा है अभी कि पबजी तो ऑलरेडी जा चुके हैं, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन पबजी के अंदर हमारे जो टीममेट्स वगैरह है उनका जैसे नाम है, मान लीजिए कि मेरा जो क्लैन है इसका नाम है BSB क्लैन, इसके अंदर जो प्लेयर्स का नाम है BSB वायरस, BSB नेकेड, BSB रावण, ऐसे कुछ नाम है, तब सोचिए कि अब तो गेम जा चुके हैं लेकिन इनका जो असली वाला नाम है ये मैं ऑलरेडी भूल चुका हूँ। और साथ ही साथ अब पब्लिकली अगर हम मीटअप करते तो हम सबको ऐसे ही इन गेम नेम से ही पुकारते। अगर मान लीजिए कि मैं पब्लिकली ऐसे बोल दिया कि अरे वायरस कहाँ था तू, या फिर ऐसे बोल दिया कि अरे रावण कहाँ जा रहा है, और सोचो अगर मैंने ऐसे पुकारा किसी को कि अरे नेकेड इधर आ, तो कैसे सुनने में लगेगा पब्लिकली, पब्लिक का रिएक्शन जो है ये हिलेरियस होते हैं। तो गाइस पबजी कुछ इस तरह से ही हमारे दिलों और दिमाग में बसे हैं कि ये भूलने का नाम ही नहीं लेते। और फाइनली मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम हमारे देश के साथ है, देश के डिसीजन के साथ है, बस हम उम्मीद कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं कि कब तक पबजी मोबाइल टेंसेंट के साथ नाता तोड़ दे और वापस आ जाए हमारे इंडिया में। तो गाइस इसके अलावा तो अभी फ़िलहाल और कुछ नहीं किया जा सकते, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों फौजी भी इतना ही अच्छा हो पबजी की तरह ही, और अगर ना हो तो फौजी भी दोस्तों क्रिटिसाइज होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि पबजी अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा, ये प्लेयर्स के फीलिंग्स बन चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर देना, इसके साथ ही अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।